हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी लोग जानते हैं ये जो हमारी एक वीडियो सीरीज है, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस। इस किताब की समरी हम लोग इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 26 to 27। हमने 25 सेशन तक हमने डिस्कस कर लिया था, 26 और 27 ये दो सेशन अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। और इसके साथ साथ हमारा जो पार्ट 9 है, पार्ट 10 है इस किताब का, वो ओवर हो जाएगा। इसके बाद करीब 25 सेशन ही और बचते हैं, उनका भी हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। बट उस सब के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल्सो शेयर करते रहिए। कम से कम आप एक व्यक्ति को शेयर कर देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोस, क्योंकि आप शेयर करोगे उसी के साथ ही हम आपको कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज कीप शेयरिंग। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेशन 26 to 27 के बारे में। आप मेरे बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे या इनमें से किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 5400 रुपीज का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 4320 रुपीज का। और इसके अलावा आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल से भी देख सकते हैं। और आप मुझे मैसेज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फर्दर डिस्काउंट के बारे में कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन। यू कैन टेक डेडिकेटेड डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज, वीडियोज एंड एवरीथिंग यू कैन वॉच। इसके अलावा अगर आप, ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि शुरू हो रहे हैं। पैराजंबल का कोर्स 18 मई से शुरू हुआ है, ग्रामर का कोर्स शुरू हो रहा है सीजीएल 2020 के लिए 24 मई से, तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कई लोगों का कहना होगा पीडीएफ नहीं आती टेलीग्राम पे। देखिए, जब एक पूरा पार्ट खत्म हो जाता है तब पीडीएफ आती है। जैसे आज हमारा पार्ट 10 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है। इसके अलावा आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हो और सर्च करो @AmanTrivedi विदाउट एनी स्पेस, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के आगे बढ़ते हैं। हमने कल यहां तक डिस्कस कर लिया था, ये सारे वर्ड्स हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आशा करता हूं जिस तरीके से मैंने बताया आपको कुछ मदद मिली होगी और आपको हेल्प हुआ होगा उनको समझने में, उनको याद करने में। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बात शुरू करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे। पहला वर्ड हमारा आज का होगा दैट इज गैरुलस, ठीक है। हमने वॉल्यूबल तक कर लिया था कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूबल, जो इनफ बोलेगा उसको कहते हैं वॉल्यूबल। आज अब हम बात करने वाले हैं गैरुलस की। तो गैरुलस में जो आपका रूट वर्ड है वो क्या है आपका, गैरियो, मतलब होता है टू चैटर, ठीक है, मतलब बोलना, काफी ज्यादा बोलना। तो गैरुलस का मीनिंग क्या होगा, गैरुलस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर किसी शब्द में OUS आपका लगता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब देखिए क्या मीनिंग बनता है, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग और कन्वर्सेशन, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं, गैरुलस। तो इट कैन बी एंटोनिम ऑफ लैकोनिक, रेटिसेंट का एंटोनिम हो जाएगा गैरुलस, टॉकेटिव या लोकेशियस, मतलब काफी बातें करने वाला, वॉल्यूबल, ठीक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैबी या फिर चैटी। माय गैरुलस नेबर हैड गिवन अवे द सीक्रेट, मेरे मतलब उसने जो सीक्रेट था वो उसने, गैरुलस है क्योंकि वो बहुत बातें करता है, तो उसने लोगों को बता दिया है, नाउ दैट इज नो मोर अ सीक्रेट। नाउ इसका नाउन क्या बन जाएगा, गैरुलिटी, ITY अगर किसी में सफिक्स लगता है तो वो क्या बनता है, नाउन, तो ये हो गया गैरुलिटी। और अगर इसका एडजेक्टिव की बात करें, सॉरी ये भी नाउन ही होगा, गैरुलसनेस ये भी नाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ये भी आपका गैरुलसनेस, ये भी आपका नाउन ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड आता है वो आता है मैग्नस। मैग्नस का मतलब क्या है, लार्ज या फिर ह्यूज, मैग्नस का मीनिंग लार्ज या फिर ह्यूज। और लोकर का मतलब स्पीक, तो मैग्नीलोक्विंट वर्ड क्या बना आपका, मैग्नीलोक्विंट, मतलब क्या हो जाता है, स्पीकिंग इन और कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई फ्लोन ऑफ एन बम्बास्टिक स्टाइल और मैनर, यानी कि जो बहुत ज्यादा
बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताए, बम्बास्टिक बताए, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के चीजों को जो बताता है उसे हम कहते हैं मैग्नीलोक्विंट, मतलब हो जाता है जो बढ़ा चढ़ा के बताता है। इसको हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा मैग्नोनिमस, ये अच्छा वर्ड है आपका, ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। मैग्नोनिमस क्या है आपका, देखिए एनिमस, एनिमस का मतलब क्या हो जाता है आपका, माइंड। एनिमस, एनिमस का मतलब होता है लाइफ, जैसे किसी भी चीज को एनिमेट कर दो, मतलब उसमें जीवंत कर देना। मैग्ना मतलब लार्ज, तो किसी का दिल या किसी का दिमाग बहुत बड़ा है, किसी का हृदय बहुत बड़ा है, तो उसे हम कहते हैं मैग्नोनिमस। मीनिंग हो जाता है शोइंग और सजेस्टिंग नोबिलिटी ऑफ फीलिंग एंड जेनरोसिटी ऑफ माइंड, यानी कि जो ऐसी चीज को शो करे कि किसी के जेनरोसिटी ऑफ माइंड, यानी कि किसी के अच्छे नेचर को शो करता है, उसे हम मैग्नोनिमस कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति इसको गन दिखा रहा है एंड ही शोइंग फ्लावर्स, सो ही दे आर मैग्नोनिमस पीपल, यानी कि बहुत ही अच्छे उदारवादी लोग हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एलिवेटेड, गैलेंट, ग्रेट। एंटोनिम हो जाएगा डिबेस्ड या डीजेनरेटेड, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं, ही वॉज मैग्नानिमस इन डिफीट एंड प्रेज्ड हिज ओपोनेंट्स स्किल, यानी कि वो हार के भी काफी ज्यादा मैग्नानिमस था, काफी उदारवादी था, काफी बड़ा दिल दिखाया उसने, और अपने ओपोनेंट्स की स्किल को उसने काफी ज्यादा प्रेज किया, तारीफ की, ठीक है। अगला टर्म हमारा क्या है, मैग्नस। मैग्नस क्या होता है, मैग्नस इज लार्ज या फिर बिग, मैग्नस इज लार्ज या फिर बिग, ठीक है। तो वर्ड क्या बनता है, मैग्नेट, मतलब अ पर्सन ऑफ रैंक पार, अ पर्सन ऑफ रैंक पार, इन्फ्लुएंस और डिस्टिंक्शन ऑफन इन एन स्पेसिफाइड एरिया, ऑफन इन ए स्पेसिफाइड एरिया, उसे हम कहते हैं मैग्नेट। जैसे कि रतन टाटा इज अ मैग्नेट, ठीक है, बैरन, ठीक है, आपका मोगुल, बिग गन, बिग शॉट, ठीक है, इसी तरीके से आता है डॉयन, ठीक। इन सब का मतलब होता है अपनी क्षेत्र का, अपनी पर्टिकुलर फील्ड का बहुत ही बड़ा व्यक्ति, बहुत ही बड़ा आदमी, उसे कहते हैं मैग्नेट। जैसे रतन टाटा इज अ, टाटा इज अ बिजनेस मैग्नेट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बैरन या फिर कैप्टन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, द न्यूज़पेपर वाज ओन्ड बाय अ फेमस पब्लिशिंग मैग्नेट, तो न्यूज़पेपर किसके द्वारा ओन किया जा रहा था, एक फेमस पब्लिशिंग मैग्नेट के द्वारा, यानी कि एक फेमस पब्लिशिंग मैग्नेट जो कि बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, ठीक है। अगला वर्ड आता है आपका मैग्नीफाई, ठीक है। मैग्नीफाई सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में मैग्नीफायर देखा होगा, तो मैग्नस मतलब लार्ज और फी आई एफ वाई फेसियो का मतलब होता है टू मेक, तो टू मेक समथिंग लार्ज, तो स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो मैग्नीफाई क्या हो जाएगा, मेक लार्ज, ठीक है। तो जैसे इसने क्या किया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, तो ये देखिए क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉयडर या एग्जेजरेट, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बताना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ट्राई टू मैग्नीफाई द पार्ट ही एक्टेड इन द प्ले, यानी कि उसने अपने जो पार्ट उसने फिल्म में प्ले किया, प्ले में प्ले किया, उसने जो रोल प्ले अदा किया, उसको उसने बहुत ही अच्छा दिखाया, बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाया। नेक्स्ट आता है मैग्निफिशेंट, तो देखिए इसमें एफ आई अगर किसी में लगेगा तो वो क्या है, मेक, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाता है, मेक, और मैग्नस का मतलब क्या हो जाता है, लार्ज, तो मैग्नस का, मैग्निफिशेंट का मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव है, मीनिंग हो जाता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। जैसे कि ये जो सीन है ये क्या है, मैग्निफिशेंट है, बहुत अच्छा है, तो कुछ भी बहुत अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव या बहुत ही इंप्रेसिव होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मैग्निफिशेंट कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑगस्ट, बैरोनियल या एपिक। एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल, अनहीरोइक या अनइम्पोजिंग, ठीक है। द मैग्निफिशेंट सीन ऑफ द वाटरफॉल इज प्लीजेंट, यानी कि जो वाटरफॉल का मैग्निफिशेंट, जो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, वो बहुत ही अच्छा है, प्लीजेंट है। अगला हो जाता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नस मतलब होता है लार्ज, ठीक है, मैग्नस मीनिंग है लार्ज, और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। जैसे अर्थक्वेक नापा जाता है, तो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड नापा जाता है कि अर्थक्वेक की रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता थी, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। अकाउंट, कॉन्सिक्वेंस, इंपोर्ट, एंटोनिम हो जाएगा आपका इनसिग्निफिकेंस या लिटिलनेस। द ऑडिटोरियम इज अ बिल्डिंग ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, यानी ऑडिटोरियम एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका साइज, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नस से ही वर्ड आता है मैग्नम, तो मैग्नम मतलब क्या हो जाता है, अ लार्ज वाइन बॉटल और लिकर। तो जैसे जो ये लार्ज वाइन बॉटल होती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नम आपका। शी वन अ मैग्नम ऑफ शैम्पेन, यानी शैम्पेन का एक उसने मैग्नम जीता, शी वन अ मैग्नम, ठीक है, उस सेंस में आ जाता है आपका मैग्नेट। क्लियर, चलिए
इसके अलावा इसी से बनता है मैग्नम ऑपस, ये वर्ड आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑपस मतलब होता है बहुत अच्छा वर्क, ऑपस मतलब वर्क, मैग्नम मतलब साइज में बहुत बड़ा, तो मैग्नम ऑपस का मतलब हो जाता है ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जैसे बाहुबली इज अ मैग्नम ऑपस, यानी बहुत अच्छा काम ऑफ आर्ट और लिटरेचर इज कॉल्ड मैग्नम, मैग्नम ऑपस। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्लासिक, मास्टरपीस या मास्टरवर्क। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं हिज लेटेस्ट ऑफरिंग इज अ मैग्नम ऑपस ऑन फिलोसफी, यानी उनका जो एकदम जो उनकी लेटेस्ट ऑफरिंग है दैट्स अ मैग्नम ऑपस ऑन फिलोसफी, फिलोसफी पे वो एक काफ़ी बड़ा वर्क ऑफ आर्ट है या लिटरेचर है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नम ऑपस। अगला है आपका वर्बल, वर्बल क्या है आपका, वर्बल का मतलब होता है ऑफ रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों, वर्बम, ये वर्बल किससे बनता है, वर्बम से, वर्बम का मतलब क्या है, वर्ड, तो कहने का मतलब हो गया, तात्पर्य हो गया जिसमें शब्द हो उसे हम कहेंगे वर्बल। जैसे वर्बल डिस्क्रिप्शन, गिव मी अ वर्बल डिस्क्रिप्शन, बोल के डिस्क्रिप्शन दीजिए। ठीक है, ओरल का मतलब हो गया कि जिसको सिर्फ आप, जैसे ही गेव एन ओरल डिमॉन्स्ट्रेशन, तो सिर्फ बोल के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आप, और वर्बल डिस्क्रिप्शन मतलब रिटन में डिस्क्रिप्शन दिया, समझ में आई बात। सिनोनिम हो जाएगा प्रोनाउंस, सेड और स्पोकन, और एंटोनिम हो जाएंगे रिटन। द जॉब एप्लीकेंट मस्ट हैव गुड वर्बल स्किल, यानी कि जॉब एप्लीकेंट्स के पास अच्छी वर्बल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक, अगला वर्ड हमारा है वर्बैटिम, तो वर्बैटिम मतलब क्या हो जाता है, वर्बैटिम आपका वर्ड है, वर्बैटिम का मतलब वर्बम से ही बना वर्ड, वर्बैटिम मतलब क्या हो जाता है, इन प्रिसाइजली द सेम वर्ड्स यूज्ड बाय अ राइटर और स्पीकर, यानी जिस तरीके से राइटर ऑथर ने बोला है बिल्कुल वैसा लिख लीजिए, यानी कि राइट द एक्सप्लेनेशन वर्बैटिम, मतलब वर्ड बाई वर्ड, जैसा बोला वैसा वर्ड। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड इस तरीके से आता है। ही रिपोर्टेड द स्पीच वर्बैटिम, यानी जैसी स्पीच हुई थी एकदम वैसी उसने यहाँ रिपोर्ट कर दी। ठीक, अब अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, वर्बेज, वर्बेज का मतलब हो जाता है ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे उसे हम कहते हैं वर्बेज। तो उसके लिए आप इन्हें याद रख सकते हैं बहुत ही ईजिली, आपने पता ही होगा सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्डेज या फिर वर्डीनेस। फॉर एग्जाम्पल, कट आउट द एक्सेस वर्बेज, यानी कि जो एक्स्ट्रा शब्दों का इस्तेमाल है उन्हें थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, वर्बेज मतलब ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड्स। अगला है आपका रिवॉल्व, तो रिवॉल्व किससे आता है, आरी मतलब अगेन, वॉल्व मतलब हो जाता है टू रोल, तो रिवॉल्व का मतलब हो गया आपका टर्न और अराउंड, टर्न ऑन और अराउंड एन एक्सिस ऑफ और अ सेंटर, किसी सेंटर के अराउंड टर्न करना या घूमना उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्व करना। जैसे अर्थ हुई रिवॉल्विंग राउंड द सन, तो सर के चारों तरफ चक्कर लगा रही, तो रिवॉल्व का मतलब घूमना। रोल, रोटेट, स्पिन, और सिनोनिम हो जाएगा रिवॉल्यूशन, एंटोनिम हो जाता है रिवॉल्यूशनरी, यानी कि जो किसी चीज़ को टर्न करवा दे उसे कह देंगे रिवॉल्यूशनरी मूव। ठीक है, मतलब विच चेंजेस अ पाथ ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ बड़ा काम हो जाए उसे कहेंगे। अगला है आपका इनवॉल्व, इन मतलब पता है आपको, इनवॉल्व मतलब रोल, तो इन्वॉल्व का मतलब हो गया टू इंगेज एज अ पार्टिसिपेंट। जैसे आप इन्वॉल्व होइए इस वीडियो लेक्चर में, आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए। एफेक्ट, कंसर्न या टच, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, दूसरों को अपने ट्रबल में, अपनी समस्या में मत इन्वॉल्व करो। इसी से वर्ड बना इवॉल्व, ई मतलब क्या होता है, आउट, और वॉल्व मतलब क्या हो गया, रोल, मतलब बाहर की तरफ रोल करो। जैसे आप ऐसे समझ लो, चटाई को आप खोलो तो बाहर की तरफ खोलेगा, तो क्या हो गया, अंडर गो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन, जैसे मनुष्य यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो दिस इज वी वेंट अंडर अंडर वी वी अंडर वेंट डेवलपमेंट, सो दिस इज कॉल्ड आपका दिस इज कॉल्ड इवॉल्व। ठीक है, दे आर इवॉल्विंग, वी आर इवॉल्विंग, हम सब पिछले से बेहतर बनते जा रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेवलप, इलेबोरेट या अनफोल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, हर कंपनी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ हॉबी इनटू अ थ्राइविंग बिजनेस, तो उसकी जो कंपनी है वो एक हॉबी से एक थ्राइविंग बिजनेस तक आ चुकी है। नाउन क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। ठीक, ये आपका इवोल्यूशन नाउन हो गया। अगला है आपका वेंट्रिलोक्विस्ट, मैं कल की क्लास में बता चुका था, जो इस तरीके के आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कल की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिछला वीडियो इस चैनल पे चेक करिए, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप पिछला वीडियो देख लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, वेंट्रिकल, नेक्स्ट टर्म इज वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या होता है आपका, वेंट्रिस से आता है, वेंट्रिस का मतलब बेली है, तो वेंट्रिकल का मतलब हो गया जो आपके हार्ट में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। अ चैम्बर ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एट्रियम एंड फ्रॉम विच ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज टूवर्ड, तो इसे कहते हैं वेंट्रिकल।
वेंट्रल क्या हो जाता है, इसी का एडजेक्टिव है, टूवर्ड्स और ऑन और नियर द बेली. ठीक है, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज दीज आर बायोलॉजिकल टर्म्स, तो आपको पता होंगे, और नहीं पता हिंदी वालों को तो इन्हें हम अलिंद और निलय भी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट ऑरिकल्स है. ऑरिकल्स क्या है, एडजेक्टिव, एन इंटीरियर ईयर शेप्ड पाउच इन द आर्ट्रियम, जिसे हम कहते हैं ऑरिकल. ये जो है आपका ऑरिकल हो जाता है ऑफ ह्यूमन हार्ट. एग्जाम्पल, इन फोर चैम्बर चैम्बर्ड हर्ट द टू ऑरिकल्स मूव सिंक्रनसली, जो दो ऑरिकल्स हैं वो सिंक्रनसली मूव करते हैं. एडजेक्टिव हो जाएगा ऑरिकुलर. ठीक, अगला है आपका अवंकुलर. ठीक है, अवंकुलर क्या होता है, अवंकुलर मतलब अंकल से वर्ड आया. ठीक, तो अवंकुलर मतलब हो गया बिहेविंग इन अ काइंड एंड फ्रेंडली वे टूवर्ड्स यंग पीपल लाइक एन अंकल इन द काइंडनेस और इंडल्जेंस. यानी कि बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही फ्रेंडली रूप से यंग पीपल के साथ में बिहेव करना, जैसे कि कोई अंकल उनके साथ में काइंडनेस से बिहेव कर रहा हो, इसे हम कहेंगे अवंकुलर. जैसे हिज अवंकुलर इमेज बेलीज हिज स्टीली डिटर्मिनेशन, बिलाइज हिज स्टीली डिटर्मिनेशन. यानी कि जो उनकी अवंकुलर इमेज है कि बहुत ही काइंड, बहुत ही जेनरस हैं, वो उनके जो स्टीली यानी कि जो बहुत ही एकदम कठोर उनका डिटर्मिनेशन है उसको झूठला देती है. ठीक है, अगला वर्ड आपका है डॉर्सल. तो डॉर्सम का मतलब होता है बैक. ठीक है, डॉर्सम का मीनिंग होता है आपका बैक. ठीक, तो डॉर्सल का मीनिंग हो गया आपका बिलोंगिंग टू और ऑन नियर द बैक और अपर सर्फेस ऑफ एन एनिमल और ऑर्गन ऑफ द पार्ट, उसे कहते हैं डॉर्सल. जैसे ये वेंट्रल पार्ट हो गया, ये आपका डॉर्सल पार्ट हो गया, जो बैक हिस्सा हुआ उसे हम कहेंगे डॉर्सल. द मेल फिश डेवलप्स एक्सटेंडेड फिलामेंट्स ऑन द डॉर्सल फिन, यानी कि पिछले वाले हिस्से. डॉर्सल मतलब बैक साइड, एनिमल या किसी ऑर्गन के लिए मेनली इस्तेमाल होता है. एंडोर्स करना बेसिकली क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, एडवोकेट करना. एंडोर्स, डोर से ही आ गया, मतलब बैक. बैक मतलब सपोर्ट करना. बैक आपका क्या काम करती है, सपोर्ट करने का. तो एंडोर्स करना मतलब होता है सपोर्ट करना. जैसे कि आप वीडियोस देखते हो, आप शोज देखते हो कि स्पॉन्सर्ड बाई पेटीएम, तो एंडोर्स कौन कर रहा है, पेटीएम कर रहा है. सपोर्ट कौन कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, उसे कहते हैं एंडोर्समेंट आपका. स्पेशल एंडोर्समेंट अलाउज अ पेई टू मेक अ चेक पेएबल टू अनदर पर्सन और एंटिटी. तो एक स्पेशल यानी जरूरी एंडोर्समेंट आवश्यक होता है पेई के लिए, चेक पेएबल को अनदर पर्सन को देने के लिए. ठीक है, नाउन क्या हो जाएगा इसका, एंडोर्समेंट. अगला वर्ड आ जाता है वोसीफेरस. वोसीफेरस का मतलब होता है आपका, वोसीफेरस का मीनिंग हो जाता है कि बहुत ही उग्र रूप से, बहुत ही ज़्यादा आप ताकतपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें. तो वोसिस का मतलब हो गया वॉइस, फेरो का मतलब हो गया कैरी. तो अपनी बात को पूरी जोरदार तरीके से कहना, कि आप मार्क्ड बाई और गिवन टू वेहमेंट इंसिस्टेंट आउटक्राई. सिनोनिम हो जाएगा ब्लेटेंट, कैटरवॉलिंग या क्लैमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ वोसीफेरस ओपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का बहुत ही उग्र यानी कि बहुत ही ऐसा अपोनेंट जो कि बहुत खुल के अपोज करता हो, खुल के उसके विरोध में बात कहता हो. एंटोनिम हो जाएगा वोसीफेरेट और नाउन हो जाएगा वोसीफेरस. नेस लगेगा तो नाउन होता है. वोसीफेरस मतलब अपनी बात को पूरी जोरदार तरीके से कहने वाला. ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला जो रूट वर्ड है वो है हमारा सोमनस. सोमनस का मतलब क्या होता है, नींद. ठीक, फेरो मतलब कैरी, तो सोमनी फेरस मतलब विच कैरीज स्लीप, यानी कि ऐसा कुछ जिससे आपको नींद आ जाती हो. तो आप में से ज़्यादातर लोगों की समस्या है, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको क्या होता है, यू फील सोमनी फेरस, यानी कि आपको नींद आने लगती है, तो उसी को कहेंगे सोमनी फेरस. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओपिएट या स्लीपी. एंटोनिम हो जाएगा स्टिमुलेंट. हिज वॉइस हैड एन ऑलमोस्ट सोपोरिफिक इफेक्ट, यानी कि उसकी वॉइस का एक सोपोरिफिक इफेक्ट है जिससे नींद आ रही. ठीक, अगर बात से एग्री कर रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, और पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना. अगला वर्ड हमारा क्या है, इनसोमनियाक. इन मतलब क्या हो जाता है, इनका मीनिंग हो गया निगेटिव. सोमनस मतलब स्लीप, मतलब ऐसा व्यक्ति, आईएसी मतलब किसी को पागलपन बना, जैसे आपका मेनियाक, मेनिया मतलब पागलपन. तो इनसोमनियाक मतलब हो गया प्रोलॉन्ग्ड एंड अनयूजुअली अबनॉर्मल इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप. जैसे कि आप में लोग पबजी खेलते हैं, पबजी खेलने की वजह से आप इनसोमनियाक हो जाते हैं, आप नींद नहीं आपको फील होती, दिस इज कॉल्ड इनसोमनियाक. सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लीपलेसनेस एंड वेकफुलनेस, जागृत रहना. ठीक है, अब एंटोनिम के एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ही हैज सफर्ड फ्रॉम इंसोमनिया वर्चुअली हिज एंटायर लाइफ. और एडजेक्टिव क्या है, इंसोमनियस. ठीक है, तो इंसोमनिया मतलब नींद ना आ रही हो आपको. जब
अगला वर्ड क्या है, सोमनेम्बुलिज्म। तो देखो इसमें आपका जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है एम्बुल। एम्बुलो का मतलब होता है वॉक करना, ठीक, और सोमना मतलब है नींद। तो सोमनेम्बुलिज्म मतलब हो गया नींद में चलना, एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्लीप इन विच मोटर एक्ट सच एज वॉकिंग आर परफॉर्म्ड, यानी कि लोग चलने लगते हैं, इसे हम कहते हैं सोमनेम्बुलिज्म। अब आपको शायद याद हो कि वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, ये हाउसफुल मूवी का एक गाना था। इसमें ये जो बमन ईरानी, इनको सोमनेम्बुलिज्म था, यानी कि नींद में चलने की बीमारी थी। तो सोमनेम्बुलिज्म का मतलब क्या होता है, नींद में चलना। हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा हो इस बीमारी को दिखाते हैं। आई ऑलवेज सस्पेक्ट दैट आई हैव सोमनेम्बुलिज्म, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, मुझे नहीं लगता, एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्बुलेटरी। एम्बुलो मतलब होता है वॉक, एम्बुलेटरी मतलब हो गया वॉक करना, ठीक। तो एम्बुलेटरी का मीनिंग क्या हो जाता है, एबल टू वॉक अबाउट एंड नॉट बेडरिडन। तो जो वॉक कर सके उसे कहेंगे एम्बुलेटरी। सिनोनिम हो जाएगा एम्बुलेंट, एरेंट या फ्यूजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, वी विल बी ओपनिंग 2 न्यू एम्बुलेटरी केयर फैसिलिटीज फॉर प्राइवेट पेशेंट्स इन मे, ठीक। दूसरा है एम्बुलो, एम्बुलो से ही आया वॉक, इसमें आ गया पर, PER का मतलब होता है थ्रू, तो किसी के थ्रू वॉक करना, मतलब परएम्बुलेटर। तो परएम्बुलेटर आपको याद हो, इस तरीके का आपने देखा होगा बच्चों के के चलने के लिए होता है, बच्चों छोटे बच्चों को इस पे लिटा देते हैं और आपने धक्का देके ले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परएम्बुलेटर, ठीक। अ स्मॉल व्हीकल विथ 4 व्हील्स इन विच अ बेबी और चाइल्ड इज पुश्ड अराउंड इज कॉल्ड परएम्बुलेटर। सिनोनिम क्या है, हाइकर, रैम्बलर या ट्रैम्पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, शी स्टूड हर बेबी इन द परएम्बुलेटर एंड वेंट इन टू द किचन। उसने अपने बच्चे को परएम्बुलेटर में रख दिया, इसमें रख दिया और वो किचन में चली गई। परएम्बुलेट क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी अगर आप किसी वर्ब में जो वर्ब है आपकी उसमें ER या OR लगाते हैं तो वो नाउन बनता है। तो देखो यहाँ परएम्बुलेटर क्या था, नाउन। अब हम क्या देख रहे हैं, परएम्बुलेट वर्ब हो गया। मेक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑन द फुट ऑफ, यानी पैदल चल के किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना। तो फॉलो, गो या नेविगेट। एवरी इवनिंग द लोकल पुलिस परएम्बुलेट अराउंड द पार्क। लोकल पुलिस क्या करती है, परएम्बुलेट करती रहती है, इंस्पेक्शन करती रहती है, ठीक है। अगला क्या है, एम्बुलो, वॉक करना। एम्बल का मतलब होता है वॉक लेजरली, आप आराम से टहल रहे हो, इसको हम कहते हैं एम्बल करना, ठीक है। तो एम्बल मतलब हो गया टू वॉक लेजरली। सिनोनिम हो जाएंगे हाइक, परएम्बुलेट या रैम्बल। फॉर एग्जाम्पल, एवरी इवनिंग दे एम्बल अलॉन्ग द बैंक, यानी कि बैंक नदी के किनारे वो टहलते हैं लेजरली। एम्बुलेंस आप सभी को पता है, एम्बुलेंस इज अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंजर्ड और सिक, जहाँ से आप ले जाते हैं उसे एम्बुलेंस कहते हैं। द इंजर्ड वर रश टू हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, इट वॉज इजी वन। अब अगला वर्ड है आपका प्रीएम्बल। तो प्री मतलब क्या हुआ, बिफोर, और एम्बल मतलब क्या हो जाता है, वॉक। तो अ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन टू अ स्टैचू और कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। मतलब किसी इंट्रोडक्शन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैचू के बारे में जो प्रिलिमिनरी जानकारी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। सिनोनिम हो जाएगा प्रेल्यूड या प्रोलॉग। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉन्च्ड इनटू हिज स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रीएम्बल, यानी कि उसने अपना स्टेटमेंट बिना किसी प्रीएम्बल, बिना किसी पूर्व जानकारी के जारी किया। अगला टर्म है आपका सोपोरोफिक। तो सोपोरोफिक या आपका हमने एक वर्ड और अभी देखा था, जस्ट अ सेकेंड, वी सॉ दिस वर्ड सोमनीफेरस। तो सोमनीफेरस या सोपोरोफिक एक ही मतलब है दोनों का। सोपोरोफिक का मतलब ही हो गया कि स्लीप इंड्यूसिंग, जिससे आपको नींद आने लगे उसे हम कहते हैं सोपोरोफिक, ठीक है। तो अराउजिंग और टेंडिंग टू कॉज स्लीप उसे कहेंगे सोपोरोफिक। इसमें भी आप लूसेंट का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ड्राउजी और हिप्नोटिक या नैकोटिक। एंटोनिम हो जाएगा स्टिमुलेंट। आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द सोपोरोफिक म्यूजिक, यानी कि नींद आने वाले म्यूजिक के चलते मैं सो गया, क्योंकि सोपर का मतलब भी स्लीप है और FIC मतलब आप किसी को जगाना, ठीक है, टू मेक समथिंग। हाँ, अगला वर्ड आपका है आर्टिकुलस। आर्टिकुलस का मतलब हो जाता है टू जॉइंट। इन मतलब हो गया प्रीफिक्स। तो इन आर्टिकुलेट का, इन आर्टिकुलेट, इन मतलब नॉट, जो जॉइंट ना कर पाए, मतलब जो सेंटेंसेस को आपस में ना जोड़ पाए उसे हम कहते हैं इन आर्टिकुलेट। तो अनेबल टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली और ईजिली उसे हम कहते हैं inarticulate, जो अपने शब्दों को, अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली ना एक्सप्रेस कर पाए, inarticulate उसे कहेंगे। तो अनेबल टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली और ईजिली। सिनोनिम हो जाएंगे म्यूट, स्पीचलेस या फिर वॉइसलेस।
एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इनआर्टिकुलेट एंड रादर शाय ही हैड ऑलवेज ड्रेडेड स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी कि वो इनआर्टिकुलेट था, वो अपनी बातों को सही तरीके से जोड़ नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और शाय था काफ़ी, इसीलिए ही ऑलवेज ड्रेडेड स्पीकिंग इन पब्लिक, उससे हमेशा पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता रहा। ठीक है, याद रख सकते हो आपको, मतलब अगर इफ somebody is inarticulate तो ऑब्वियसली सामने वाला क्या पूछेगा, अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। ठीक है, अगला क्या है, आर्टिकुलेट, तो जो कहना चाहता है, जो अच्छे से अपने आप को कह सकता है, जैसे मोदी जी अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहेंगे आर्टिकुलेट करना, मतलब अपनी बात को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करना। तो प्रोवाइड विद अ ज्वाइंट ऐसे समझ सकते हो, या अपनी बात को, अपने सेंटेंसेस को अच्छे से जोड़ के एक्सप्रेस करो जिससे कि आपके थॉट को आसानी से एक्सप्रेस हो जाए। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनंशिएट, एंटोनिम हो जाएगा अनवोकल, शी स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स, यानी कि उसने अपनी बातों को आर्टिकुलेट नहीं अच्छे से कर पाई, यानी क्या हो गया, इनआर्टिकुलेट हो गई वो। ठीक है, नाउन क्या हो गया, आर्टिकुलेशन। ऑलराइट, सो हियर वी एंड दिस पार्ट 10 ऑफ दिस बुक, इसके बाद हम लोग पार्ट 11 और आगे के पार्ट्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराएं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट में भी मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट जाकर भी अमन त्रिवेदी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और सारे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप अगर आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझे 8299117042 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं जिससे आपको आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू एनीथिंग, एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।